हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टिंग जर्नी सब अच्छी चल रही होगी। सो आज एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में आए हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग से थोड़ा हटके। मतलब ट्रेडिंग तो है, बट हम जो हमेशा ऑप्स्ट्रा पे या ऑप्शन की बात करते हैं, उससे हटके हम इक्विटी मार्केट पे बात करते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिस्कशन रहेगा। ओके, सो आज हम सबसे पहले चलते हैं कि हम किसी स्टॉक पे बात करेंगे, तो कौन सी स्टॉक पे बात करेंगे हम पहले ये चलते हैं। तो उसके लिए सिंपली NSE का वेबसाइट है, nseindia.com। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई देता है। अभी करंट टेबल जो है 22,475 है। मार्केट कैप देखेंगे आप तो 402 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो दिखा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, सो और मार्केट की स्थिति देखेंगे आज के डेट के हिसाब से जो क्लोजिंग हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये वाला जो लेवल है, हाई जो लगाया हुआ है देखिए 22,794। ठीक, तो ये ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई पे गया लगभग 22,800। और लो देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए 22,348, मतलब 350 मान लीजिए, तो 450 पॉइंट का ऊपर से डाउन फॉल आया है। आप ये इंट्राडे का देख भी रहे होंगे, यहाँ पे ये प्री ओपन का दिखा रहा है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ होगा। ठीक है, फिर ये आते 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 ऐसे ये धड़ाम 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 मार्केट होता है ऐसा। इसमें हमारा कोई जोर नहीं है, हम इस पर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन कर सकते हैं लेकिन कंफर्म हो 100% सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए FNO मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहता है। आप कितना भी सोच लें, कितना भी कर लें, जैसे आपने एनालिसिस जो करते हैं उनको बोला होगा, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में आपने देखा होगा कि मार्केट जो है जब ओपन हुआ होगा, ठीक है, तो जहाँ पे भी ओपन हुआ 766 पे ओपन हुआ, ये यहाँ पे ठीक है, ठीक ठाक ओपन हुआ, वहाँ से मार्केट ऊपर गया और 794 लगभग 800 के आसपास, तो आपको क्या लगा मार्केट अच्छा चल रहा है, हाई लगा रहा है, तो आपको लगेगा कि एक वो भी एक्सपायरी का डे भी नहीं था, एक्सपायरी के दिन चलो उतार चढ़ाव होता है सेटलमेंट के हिसाब से, तो आपको क्या लगा होगा 22,794 है, 800 के आसपास है, नीचे आएगा तो 750 और नीचे आएगा तो 700 जो ओपन इंटरेस्ट वगैरह जो रहता है उसके हिसाब से 22,700 जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। इंटरडे के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इंटरडे कहाँ भैया, इंटरडे को छोड़ो, वीकली सपोर्ट रहा होगा उसको भी इसने तोड़ के, तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन जब आप स्टॉक पे काम करते हैं तो कोई इशू नहीं है, मतलब आप ट्रेडिंग करते हैं कैश मार्केट में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपने कॉल पुट या उसमें कोई बैरियर लगा के नहीं रखा है कि ये अगर नीचे चले ही जाए तो हम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने 700 पे नहीं बेचा, 750 पे नहीं बेचा, 650 पे बेचेंगे चलो ठीक है ऊपर आ जाएगा, नहीं है 600 पे चलेगा चलो ठीक है, अब यहाँ से तो घूम ही जाना चाहिए, 550 आ गया, 500 आ गया, फिर आपको लगा कि 22,500 को तोड़ ही नहीं सकता, इंट्राडे में स्ट्रांग सपोर्ट है, काफ़ी सारे लोग किए होंगे, ठीक है, वहाँ पे कॉल ले लिए होंगे उसी दिन के लिए, पता चल रहा है 500 को छोड़ो, 500 को भी तोड़ दिया, 450 को तोड़ दिया, 400 को तोड़ दिया, 350 को तोड़ दिया, मतलब इतना जब गिरता है तो यू कांट इमेजिन कि मार्केट कहाँ तक जाए, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इसलिए FNO जो है रिस्की, काफ़ी रिस्की होता है, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपका कितना भी स्ट्रांग प्रेडिक्शन हो, कन्विक्शन हो कि ये तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा, तो भी आपको वहाँ पे आपको रूल बना कर रखना है कि भैया मुझे यहाँ से निकल जाना है तो निकल जाना है। जैसे ये वन डे का चार्ट देखिए, ये यूरोधक का काई टैप है, ये देखिए कितना बड़ा ऊपर से ये टॉप था मार्केट का, वहाँ से 1, 2, 3, 4 दिन का जो प्रीवियस 4 दिन का लो था उसको भी तोड़ के नीचे चला गया था। ठीक है, कितना बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से है, और हमारा जो कन्विक्शन है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी की भी बात करें तो मेरा कन्विक्शन तो इसी दिन जब ये हाई मार के जब स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आया था, जो भी बोलो, वहीं से मेरा कन्विक्शन जो है ये इस वाले मार्केट में लो की तरफ चला गया था, ये वाला कन्फर्मेशन कब हुआ, अगले दिन जब इसके लो के नीचे बंद हो गया तो मुझे कन्फर्मेशन मिल गया, हालांकि मैंने उस पर कोड ट्रेड नहीं किया, और कन्फर्मेशन होने के बाद अगले दिन देखो मार्केट ऊपर खुला, सबको लाइफ हाई दिख रहा था, लेकिन फिर भी
ये हमको कैंडल एक्चुअल में बता देता है। हालांकि 100% बिलीव नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे, लेकिन उसके बेस पे आप कुछ डिसिप्लिन ट्रेड ले सकते हैं। तो आप अगर बैंक निफ्टी में किए रहते, ठीक है, हालांकि हम किसी स्टॉक पे बात करेंगे थोड़ा सा वॉर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बात करें इन जनरल सिनेरियो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका पहले दिन का लो था 249 का और अगले दिन का क्लोज था 231 का, मतलब लो के नीचे क्लोज हो गया। सिंपल सी बात है। अब आपको एग्जिट कब लेना है, या तो इस दिन या प्रीवियस कोई भी डे हो उसके दिन के हाई के ऊपर क्लोज दे लें तब आपको एग्जिट होना है, अदरवाइज आपको पुट में या डाउन साइड में बने रहना है। अगले दिन ओपन हुआ 375 पे, तो आपको लगा कि यार आपका तो व्यू फेल हो गया, ऊपर गया भी 600 तक तो बहुत ही व्यू फेल हो गया। लेकिन यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे काम करें तो 150-200 पॉइंट पे आप एग्जिट नहीं ले सकते, वो इंट्राडे के लिए। तो आप यदि बने रहते तो आपको देखिए फिर लो गया है आपका 48659 का, 48659, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1000 पॉइंट का ऑलमोस्ट टॉप से यहाँ पे भी मार्केट गया हुआ है। अब ये यहाँ पे यदि आपने पुट लिया रहा था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 48200 को पुट लिया हुआ था आपने, ठीक है, 48200 को पुट लिया। अब कौन सा पुट यदि आप इसमें, चलो हम ये इसको ही देख लेते हैं, ये 48200 को पुट लिया, ठीक है, तो 48200 को पुट आपने लिया, तो ये 8 मई 48200 का पुट, सॉरी ये कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी 49200, आई एम सॉरी, ये मैंने 48200 कर दिया, आई एम सॉरी 49 की बात हो रही ना, 49200 की का आपने 8 मई का पुट लिया रहा था, ठीक है। तो ये 436 दिखा रहा है। अब इसका यदि चार्ट खोलते हैं, ठीक, तो चार्ट यदि हम खोलें तो प्रीवियस डे का क्लोज यदि आप देखेंगे तो ये था प्रीवियस डे का क्लोज, आपने कहीं पे लिया होगा 318 रुपये पे, ठीक है। अब 318 पे लिया, अब अगले दिन ठीक है आपके अपोजिट डायरेक्शन में खुला, ठीक है, नीचे भी गया मार्केट आपके हिसाब से, मतलब पुट का भाव नीचे गया, तो कितना गया 194, आपने लिया था कितने पे, 318 पे, और ये गया 194 पे, मतलब लगभग लगभग 225 पॉइंट के आसपास का, सॉरी 125 पॉइंट के आसपास का आपका नीचे गया होगा। लेकिन उसके बाद जब इसने हाई मारा, आप कनेक्शन था आपको बने रहते कैंडल के हिसाब से, तो आपको 628 का हाई गया था, ये कितना गया था 628 का, आपने 318 पे लिया, 628 ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन ये आप 100% गारंटीड इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब कोई एक प्लान को लेके चलिए और डिसिप्लिन रहिए। एफएनओ में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट ही आपको बचा सकता है, अदरवाइज आप कितना भी कमा लें, लाख 2 लाख 10 लाख, वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। खैर, हम बात कर रहे थे दूसरी चीज़ों की, ठीक है, ये सब जनरल चीज़ें हैं, हमेशा हम एफएनओ करते हैं तो हम जनरल चीज़ों पे आते हैं। यदि आपको ये रिस्क नहीं चाहिए तो कुछ चीज़ें और होती है। अब मार्केट ये सब तो दिखा रहा है, रेड 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 दिखा रहा है, हालांकि जब सिंपल देखेंगे तो 0.76 जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है आज की निफ्टी का जो प्राइस है उसके हिसाब से, लेकिन जब हाई मारा था वहां से जो लो गया था उस हिसाब से काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था, ठीक है, इन जनरल ऐसा कम होता है, ठीक। तो अब हम कुछ स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गेनर्स तो ठीक है, कोल इंडिया है, ग्रासी में, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडालको, ये टॉप गेनर्स है, टॉप 5 हैं, ठीक है। यदि आप मोस्ट एक्टिव की बात कर लें तो बजाज फाइनेंस मोस्ट एक्टिव था, कोटक बैंक, रिलायंस, HDFC बैंक, कोल इंडिया, ये सब टॉप एक्टिव हैं। टॉप वॉल्यूम में देखेंगे तो टाटा स्टील, कोल इंडिया, ONGC, पावर ग्रिड, ये सब था। खैर, अभी हम मार्केट में यदि हमको काम करना है, ठीक है, इक्विटी मार्केट में काम करना है, कैश मार्केट में काम करना है, तो हम स्टॉक को क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब बाई करेंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी हो सकता है, हो सकता है आपको लगे कि कोल इंडिया 5% के करीब करीब जंप किया है तो ये स्ट्रांग मोमेंटम में है, तो इस पर हम घुस जाते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यदि आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको उतनी ज़्यादा काम नहीं आएगी, ठीक है। आपका टाइम होरिजन भी माने रखता है कि आप एक दिन के लिए रखते हैं, एक हफ्ते के लिए रखते हैं, एक महीने के लिए कि एक साल के लिए, तो आपका जो टाइम व्यू जो है यदि लंबा है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने एटलीस्ट कम से कम, तो आपको हमेशा लूजर्स में ढूंढना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे। यदि आप उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी, ठीक है,
तो कैश मार्केट की ट्रेडिंग की बात करें तो अभी हम लूजर्स पे चलते हैं। तो लूजर्स में LT, मारुति, नेस्ले, रिलायंस, भारती एयरटेल, ये सब लूजर्स में दिखा रहा है। तो देखिए LNT दिखा रहे हैं लगभग 3.5 से 3% आसपास। तो यदि हम ये टॉप लूजर में LNT की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसका चार्ट निकाल लेते हैं LT, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो। ओके, अब यहाँ पे हम इसके चार्ट में जाते हैं, वन डे का चार्ट है, ठीक है। ओके ठीक, अच्छा ये थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था वो जैसे निफ्टी की बात कर रहे थे, इसको आपने देखा कि ऊपर से नीचे तक आया। यदि आप 15 मिनट पर इंट्राडे की बात करते हैं तब देखते हैं यहाँ पे खुला मार्केट, यहाँ से यहाँ जम्प किया, खुला 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, फिर आपको लगा कि यार ये जो लाइन लगा वो पिवोट का लाइन है एक्चुअल में, ठीक है। तो पिवोट के हिसाब से भी देखें तो जो ब्लैक वाला होता है ये पिवोट पॉइंट होता है, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, उसके बाद में रेजिस्टेंस 3 रहता है। नीचे आएंगे तो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, फिर उसके बाद नीचे सपोर्ट 3 रहता है। तो ये ऐसा कमी होता है, देखिए ये यहाँ पे क्लोज था पिवोट के पास में, ये डायरेक्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर खुला और उसको खुलते ही सेकंड रेजिस्टेंस को इसने टच कर दिया, क्लोज भी दे दिया, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आया। तो आपको जनरली क्या लगता है इन केसेस में कि भैया कोई भी आप सपोर्ट सिस्टम बना लें, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, 15 मिनट के हिसाब से भी देखें तो टाइम फ्रेम में 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से बता रही है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक तो पहला ये पिवोट के हिसाब से जब ये तोड़ के आगे गया है तो एक सपोर्ट यहाँ ले लेना चाहिए था जो कि 22722 था। तो आपने क्या किया होगा, 22700 के 25 के आसपास आया होगा और टीवी में एनालिसिस देखे होंगे कि भैया यहाँ पे खुल रहा है तो आपको 700-725 के आसपास में आपको इंटर करना चाहिए, ऐसा बोला गया था, ठीक। ये रुकता आपने यहाँ पे किया नहीं, किया डायरेक्ट वो तोड़ते हुए डायरेक्ट नीचे आ गया, तो आप ये सपोर्ट उठा तो आपने ये देखा होगा कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे जो भी है 22700 के आसपास वहाँ पे तो बिल्कुल लेना चाहिए। हो सकता है एवरेज आपने किया होगा, मार्केट को धूमना ही ऐसा लगता है, वहाँ पे किया होगा, नहीं आया, लगा हुआ 20 डे मूविंग एवरेज था, वहाँ पे आया, वहाँ पे भी नहीं लिया, अब आपको लगा कि यहाँ से तो घूम ही जाएगा, नहीं घूमा। अगला पिवोट पॉइंट था, पिवोट पॉइंट 22645 पे था, आपने यहाँ पे तो पक्का ले लिया। कैसे लिया कि ऊपर गया नीचे आया क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर घूम जाता है, जनरली ऐसा होता है। यहाँ पे फिर भी लिया आपने, फिर एवरेज किया, फिर नहीं आया, अब भैया ये सपोर्ट 1 है यहाँ पे तो घूम ही जाएगा, ये प्रीवियस डे का एक स्विंग जो मारा था उसके सपोर्ट ले लेगा। यहाँ पे एक आध दो कंसोलिडेशन वाला कैंडल भी दिखा, ठीक है, ये बड़ा फॉल के बाद में आपको यहाँ पे कन्विक्शन होगा कि यहाँ पे टच करेगा वापस भाग जाएगा, आपने फिर 22601 पे ले लिया। तो आप 22725 से लेके 22600 दो तीन बार भी लिए तो 22722 पे, 22645 पे, 22601 पे, ये आप नहीं, ये लेवल था पिवोट का 22579 था, यहाँ पे ले लिया आपने, तो दो तीन बार एवरेज तो कर लियो। अब क्या करोगे, नीचे आया तो आप ये लास्ट वाले पे फील होगे, 22500 तो स्ट्रांग 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 सपोर्ट है, ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रहा है वहाँ पे तो सपोर्ट लेना ही है, ये आपको लगा भी कि यहाँ या लिया तो आपने 22500 पे फिर लिया, राउंड लेवल है, लेकिन उसको भी थोड़ा भैया और 400-300 350 चला गया, उसके बाद थोड़ा रिकवर करके वापस 450-500 के आसपास में बंद हुआ, ठीक है, 450 के आसपास में। तो आपके पूरे लेवल को फेल करते हुए इसने पूरा ही आपको नुकसान, ऐसे ही डेट्स में नुकसान होता है। यदि आपका डिसिप्लिन है, एक लेवल बनाया कि आपने एक एंट्री करनी है, अगर इसका SL होता है तो आपको निकल जाना है, तो आपको कोई बहुत बड़ा लॉस होता नहीं, लेकिन जनरली ऐसे लॉस होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत 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 ज़्यादा कठिन होता है, स्पेशली जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं जो अभी तक प्रॉफिट में आए नहीं हैं उनके लिए ये लॉस पे लॉस पे लॉस बोलते हैं ना, गरीब और गरीब होता है, बस वही केस है ट्रेडर्स में, जो लॉस करता है वो लॉस ही करते रहता है, ठीक है। तो ये केसेस होती है, खैर इस पर हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, अभी हमको एक्चुअल में करना है LNT का एनालिसिस और हम कहाँ चले गए। सो एनीवे ये सब ज़्यादा ज़रूरी भी है, बेस भी होना ज़रूरी है कि हम क्यों बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। ओके अगेन, सो हम आते हैं इस पे, ये 15 मिनट का चार्ट था, तो ये तो लगातार मार्केट जैसे निपटी गिरा था वो लगातार गिर रहा था, लेकिन यदि हम कैश मार्केट में बाइंग की बात कर रहे हैं हम जाएंगे सीधा वन डे के कैंडल में। अब देखिए भैया वन डे का कैंडल हमने निकाल दिया यहाँ पे, इसको ऐसे इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे LNT का चार्ट है, यदि आप इसका हाई देखते हैं, रिसेंटली हाई या ऑल टाइम हाई जो भी बोलें, तो क्या दिखा रहा है, ये जो ये वाला था,
2 अप्रैल को इसने हाई लगाया था 3860 रुपए का, वहां से 3500 में आ चुका है। ठीक है, तो 3860 ऑलमोस्ट मान के चलो कि 39 रुपीज़ जो है उसका 1% होता है, वहां से ये कितना आ गया है, 3500 आ गया है, मतलब 360 रुपया घट चुका है, तो लगभग लगभग 8 से 10% ऊपर से आ चुका है माइनस नीचे में, तो एक अच्छा लेवल पे है। आप बाई कर सकते हैं एलएनटी, नो डाउट, बहुत बहुत स्ट्रांग अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। वनडे के हिसाब से भी देखिए, वनडे की बात हो रही है, ये येलो वाला 20 डे मूविंग एवरेज है, टेक्निकल की बात करें, ये ग्रीन वाला 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक बैंक तो बनता था, यहाँ गया, यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे एक बैंक बनता था, छोटा मोटा प्रॉफिट दिया भी। अब इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रीच किया हुआ है, ठीक है, तो ब्रीच किया हुआ है, तो अगर हम ये इसको हटाते हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसको रन देते हैं, इसकी बात करें तो ये देखिए, एक एक सपोर्ट, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये तीसरा, ये चौथा, अगर ये चार सपोर्ट पे है तो यहाँ से इमीडिएट घूम जाना चाहिए, ठीक है, 3500 से बिल्कुल घूम जाएगा और ये इसको तोड़ के अगेन ये ऊपर 38 के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। बाय द वे, मान लो नहीं घूमा यहाँ से, तो इसका अगला सपोर्ट आता है इस लेवल पे, ठीक है, जो कि 3275 से 3300 के आसपास का है। ठीक, इस जोन में आपको बिल्कुल एक ट्राई तो लेना ही चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, मतलब 3200 पे, तो 3200 से लेके 3300 के आसपास में आपको एंट्री करने का मौका लेना चाहिए। यदि ये नीचे गिरता है तो आप ऊपर चले जाता है तो भैया गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आप चाहे इक्विटी मार्केट में भी काम क्यों ना करें, बस आपको इस पर रिस्क नहीं होता। यदि अभी लेना है ले सकते हैं, 3-4 सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, हो सकता है घूम जाए ऊपर, 5-10% के लिए आपको रैली मिल जाए, अदरवाइज आप एक, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से दिखा रहा है ऊपर से धड़ाम हुआ है, अगर सपोर्ट लेके चला जाती है तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा डिफेंसिव स्टॉक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होती नहीं है, तो यहाँ से आप, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम रहेगा 3200 से 3300 के आसपास एक एंट्री जरूर बनती है यदि आपको लेना है तो, अदरवाइज कहीं पर भी लीजिए, ये मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर कर जाएगा। हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये वीकली देखिए, वीकली तो शानदार अप ट्रेंड में बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर गया, 20 डे मूविंग एवरेज पे टच करके ऊपर जाया जा रहा है, यहाँ पे आया फिर गया यहाँ पे आया, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रैली कर दिया है, तो अगर ये जाता भी है तो 3200 से 3300 जोन में ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक लेने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, और नहीं भी लेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वो जिस लेवल पर भी लें आपको एग्जिट प्रॉफिट में दिखाई देगा। अगर मंथली चार्ट की बात करें, वेरी वेरी स्ट्रांग जोन में चल रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ऊपर गया, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से 2770 का अगर सपोर्ट लेता है तो ये जब ऊपर जाएगा तो लगभग ये भी 3000 के आसपास ये लाइन जो है मूव कर जाएगा, तो जहाँ पे सपोर्ट लेगा ये, ठीक है, तो इंट्रा डेली के हिसाब से देखें तो 3200-3300 के आसपास आपको बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर अभी लेना है तो ले लीजिए, नीचे आया तो आप वेट कीजिए, ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं होता तो 3200 से 3300 के आसपास में एक एंट्री बनता है, और सब अगर ऊपर की बात करूँ तो ये इसका ऑल टाइम हाई 3200 से 3300 के आसपास लेता घूमता है, तो मार्केट जो है या यहीं से भी घूमे तो मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की तैयारी पे कर रहा है, ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक, अच्छा, इसका और कुछ पहलू हम देख लेते हैं, ठीक है, तो कुछ पहलू देखने के लिए क्या करते हैं, screener.in पे जाते हैं, screener.in, screener.in पे जाके हम L&T का कुछ और डिटेल्स जो है, फंडामेंटल्स जो है हम देख लेते हैं, L&T, क्यों दिखा रहे हैं भाई ऐसा, लार्सन एंड टूब्रो, ओके, लार्सन एंड टूब्रो इज मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमेरेट विच इज प्राइमरली इंगेज इन प्रोवाइडिंग एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंपनी सीधी सीधी बात है, हाइड्रोकार्बन पावर प्रोसेस इंडस्ट्री, काफी निर्माण कार्य जो रहता है उस पर रहता है, डिटेल और देखना चाहेंगे मान लो
अच्छा, ये इसके लिए अपने को लॉगिन करने बोल रहा है, तो खैर अभी हम लॉगिन नहीं करते, जरूरत नहीं। मार्केट को देखें तो मार्केट कैप है 4,81,000 का, करेंट प्राइस 3,500 का चल रहा है, हाई 3,860 जैसे हमने चार्ट में देखा, और लो था 52 वीक का 2,168 का। ठीक है, तो ये हाई के आसपास से नीचे आया हुआ है, अच्छा टाइम है लेने का। स्टॉक का पी 38 है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छा है। ठीक है, 570 का बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा महंगा है फिलहाल के हिसाब से, लेकिन जो ग्रोथ कंपनी रहती है उसका ऐसे रहता है। डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट ठीक है, चलो ऐसा है। आर ओ सी ठीक है, 11%, ROE 11%, फेस वैल्यू 2 का है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। प्रोस एंड कॉन कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 37.2% का। स्टॉक इज ट्रेडिंग बुक वैल्यू के से 6 गुना ज़्यादा महंगा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ और पास्ट 5 ईयर्स, ये ऐसा दिखा रहा है, लेकिन अभी रिसेंट के 5 ईयर्स के लिए हम 2 या 3 ईयर्स का लें तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6 ओवर लास्ट 3 ईयर्स, ये ऐसा दिखा रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छी कंपनी है। पीयर्स में देखेंगे तो फिर GMR एयरपोर्ट, राइडर्स, HFCL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये सब है। और पी का मीडियन की बात करें 43 है, उससे हमारा कम ही है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट क्वार्टर में दिखा रहा है, बिल्कुल प्लस में है, क्वार्टरली प्रॉफिट परसेंटेज में दिखा रहा है, सेल्स को दिखा रहा है, सेल्स का परसेंटेज दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा है। चलो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो दिसंबर 2023 का दिखा रहा है, सेल्स 51 से 55 हुआ है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लास्ट में मार्च 23 में 50 ईयर था, हाईएस्ट एवर था, उससे थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, और अभी उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है 55 में। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और क्या बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49-47 उस पर मेंटेन करके रखा हुआ है। मार्च 2023 में काफ़ी अच्छा था, अब देखते हैं मार्च 2024 का क्या दिखाता है। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक आया है, 3500 के आसपास का दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स को देखें तो सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखा रहा है, 21 में 1.35, 21 में थोड़ा कम हुआ था, 22 में 1.56, 23 में 1.83, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखा रहा है, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी बिल्कुल बढ़ते हुए दिखा रहा है, 10,000 से 12,000 हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात, 22 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पे कोई भी देखे कंपाउंडिंग ग्रोथ, स्टॉक प्राइस का CAGR सब जो है काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, कंसिस्टेंट दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, 14%, 14% का दिखा रहा है। प्राइस, स्टॉक का प्राइस देखें तो 10 ईयर में 15% के CAGR से बढ़ा है, 5 ईयर में 21% के CAGR से बढ़ा, 3 साल की अगर बात करें तो 38%, और 1 साल की पिछले बात करें तो 47% CAGR, तो पिछले 1 से 3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कैपिटल 78, ये सितंबर 23 तक का दिखा रहा है, 78,137 करोड़ का दिखा रहा है। बोरिंग्स 1,22,000 का है, ठीक है, और इसमें एसेट्स की बात करें तो 43,000 का दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत डेट तो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी रह गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई इशू वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, और रेशियोज को दिखा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। FIS जो है मार्च 2024 में थोड़ा सा अपना स्टैक कम किया, 25.50 से 24.36, 1% के आसपास का कम किया है, लेकिन DIS का भरोसा बढ़ा है, 37 से 38 हो गया है। ठीक है, ओके, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही, ओके। तो हमारे हिसाब से ये अभी देखें पिछले 1 से 3 साल में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, L&T है। आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं और ट्रेडिंग में आपको साल का 15 से 20% बनता है, काफ़ी अच्छा है। इसने 1 साल में देखिए 47% का रिटर्न दिया है, 3 साल में CAGR जो है 38% का है, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है, और 10 साल का लें तो 15% मिनिमम को तो दिखा ही रहा है, तो आपको बिल्कुल मिनिमम 15% का रिटर्न तो इसमें मिल ही जाना है एवरेज ईयरली, कम ज़्यादा हो सकता है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, यहाँ पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर भी यदि आपको रिस्क कम रखना है तो 3200 से 3300 के रेंज में लेंगे तो बेस्ट रहेगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से।
और उस केस में जब देखेंगे 3800 से लेके आप मान लो 3300 पे भी लेते हैं तो लगभग लगभग 500 से 600 पॉइंट डाउन रहेगा, वो 15 से 20% का आपका डाउन दिखाएगा ऊपर से लेके नीचे तक का, ठीक है ना। तो आई थिंक कि वो बहुत बेस्ट टाइम रहेगा वहाँ पे हमको उसको कैच करने का, ठीक है। इवन आफ्टर यदि आपको लगता है अभी भी करना चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी ये करेक्ट हो चुका है और डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे है। टेक्निकल टूल्स के हिसाब से हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसको सपोर्ट लेते हैं, 2-3-4 बार यहाँ से घूम चुका है, घूमता है, अच्छी बात है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास जो कैपिटल है मान लो 1 लाख कैपिटल है तो यहाँ पे 25,000 लगा लीजिए, ठीक है। 3200 से 3300 में आए फिर से 25,000 लगा लीजिए, और ये 3200 से 3300 में, और उसके नीचे जाता है तो आप 25% 25% करके 2-3 बार में लगा सकते हैं, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, आने दीजिए आपको प्रॉफिट में, ठीक है। सो ये था स्टॉक प्राइस एनालिसिस, ये गिरा है, अपॉर्चुनिटी है आपको बाई करने का, और इसमें कोई वीकली या मंथली एक्सपायरी का कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट देख ही जाएगा। ये हमने डाटा में देखा 15% CAGR दिखा रहा है, आप लेंगे तो आपको 15% CAGR का लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बिल्कुल दिखा ही देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप मंथली की बात कर रहे थे, दिखा रहा था, हम यहाँ से 10 साल पीछे चलते हैं, 2024 तो 2014 में चलते हैं, तो 2014 में चलो मान लो 2014 की 1 तारीख को आपने लगाया था, तो ये 2014 आ गया, 1, 10, 13, ये 11, ये हाँ, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस आप मान के चलिए यहाँ पे 700 रुपये का था, 716 का, ठीक है। और आ, 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 ओके, अभी हम 2024 में हैं, 2024 का ओपनिंग प्राइस देखेंगे, था ये वाला होना चाहिए, हाँ, तो उसका ओपनिंग प्राइस है 3538 रुपये का, तो 700 से 3500 आपका 10 साल में हो चुका है, 5 गुना ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको पेशेंस वाली बात है, आपको साल 2 साल में कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे मान लो 16 में लिया आपने, ठीक है, ये 17 मानते हैं, 17 में लिया 904 रुपये था, और 2 साल बाद मतलब 18-19 मान लेते हैं, तो 19 में जब आप देखेंगे तो 1445 का दिखा रहा है, ठीक है, तो 900 से 1400, फिर भी आपका 50% का 2 साल में दिया, मतलब 1 साल में 25%, तो किसी भी साल में आपको ठीक ठाक रन दिया है, ठीक है। सो आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस पे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। करेक्शन आता है हर एक स्टॉक में, तो उसको उस हिसाब से देखिए, यहाँ पे एक लंबा पीरियड जब हमारा ग्रोथ दिखा रहा है तो जा रहा है, यदि नीचे आता है तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और फिर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिलना ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट जब चल रहा था, यहाँ कहीं पे एवरेज देखें तो 1350 के आसपास का, जब नीचे आया था ये तो आधा हो गया था, 600 के आसपास हो गया था, तो बड़ा करेक्शन आएगा तो 50% का डाउन भी हो सकता है, लेकिन वो अब बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और उससे फिर आगे भी निकल जाता है। तो उस समय के लिए आप तैयार रहेंगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप उस हिसाब से लेवल देख के इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ छूटा होगा तो कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते रहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन कीजिए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज आप इक्विटी में, कैश मार्केट में काम कीजिए और शांति सुकून से पैसा बनाइए, ठीक है। लालच नहीं करना है, शांति सुकून से कुछ पैसा लगाइए, पैसा कमाइए, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।